हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपिका जैन। आज हम बिजनेस ईमेल के कुछ रूल्स को कंटिन्यू करेंगे और ये हमारे जो है लास्ट कुछ रूल्स हैं जो हम पहले देख चुके हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट रूल्स हैं तो इन्हें मैं एक और बार बता रही हूँ आपको। ये रूल्स हैं, आज के हमारे दो रूल्स हैं। पहला रूल है बी पॉजिटिव। हमेशा आपको अपनी ईमेल लिखते टाइम पॉजिटिव रहना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ नहीं करना, उसकी जगह पे आपको हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करना प्रेफर करना है। जैसे देखिए, मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं। जैसे पहले आप इन वर्ड्स को देखिए, हेल्पफुल, गुड क्वेश्चन, एग्रीड, टुगेदर, यूजफुल, आई विल डू माई बेस्ट, म्यूचुअल अपॉर्चुनिटी। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपका पॉजिटिव बिहेवियर शो कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वही ये वाले कुछ देखिए वर्ड्स, बिजी, क्राइसिस, फेलियर, फॉरगेट इट, आई कांट, एंड इट्स इम्पॉसिबल, वेस्ट एंड हार्ड। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपका नेगेटिव बिहेवियर शो कर रहे हैं, आपके अंदर कितनी नेगेटिविटी है उसे शो कर रहे हैं। तो ऐसे वर्ड्स यूज़ ना करने की जगह आप पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करें जहाँ पर भी पॉसिबल हो। आप अपने जो वर्ड्स चूज़ करेंगे बहुत ही वाइजली चूज़ करें उन्हें, क्योंकि ये जो है आप क्या आपकी लाइफ का आपका एटीट्यूड जो है ये शो करेंगे। सेकंड हमारा जो रूल है आज का, वो रूल है गेट फीडबैक। ये मैंने आपको अपने लास्ट रूल में भी बताया था, लास्ट वीडियो में, कि जब भी आप अपनी कोई ईमेल लिखेंगे तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आप उसे एक बार रीचेक करें आपकी अपनी ईमेल को, और अगर पॉसिबल हो तो किसी से ईमेल लिखने के बाद उसे ज़रूर चेक करवाए और उस पर फीडबैक ले कि आपने कैसी मेल लिखी है, आपने कैसी क्या लिखा है, कि सही लिखा है, आप उसे आगे सेंड कर सकते हैं या नहीं। उस वो आप जो है आप अपने इंग्लिश टीचर से चेक करवा सकते हैं, या फिर जिसे भी आप जानते हैं कि उसकी इंग्लिश अच्छे लेवल पर है, वो आपको सही सजेस्ट कर सकता है, सही गाइड कर सकता है, आपको सही बता सकता है कि आपने जो है कुछ पॉजिटिव वर्ड्स या फिर जितने भी मैंने आपको रूल्स बताए हैं आपने उन सबको मेंशन किया है, उन सबका ध्यान रखकर ईमेल लिखी है या नहीं। तो हमने कौन से रूल सीखे फ्रेंड्स? पहला, बी पॉजिटिव, हमेशा आपको जो है पॉजिटिव रहना चाहिए। और सेकंड रूल है आज का हमारा, गेट फीडबैक, हमेशा मेल लिखने से पहले एक बार फीडबैक ज़रूर ले ले अगर आपको डाउट है, जिससे कि आपका जो है रिसिपिएंट पर या रीडर पर कोई भी बैड इम्प्रेशन ना पड़े। यहीं पे आपके रूल्स जो हैं ख़त्म होते हैं। इतने ही रूल्स जो है आपको बिजनेस ईमेल में ध्यान रखने हैं, उन्हें समझने हैं अपनी ईमेल को लिखने से पहले फ्रेंड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स।